दोस्तों, ये जो ऑफर है ये सभी लोगों के लिए नहीं है, ये खास भक्तों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, भक्तों से मेरा मतलब जो कि भगवान में विश्वास रखते हैं, हम सभी रखते हैं, हम सभी भगवान को मानते हैं। तो दोस्तों, एयरटेल और वोडाफोन की तरफ से ये ऑफर उन्हीं के लिए आया है, ये खबर उन्हीं के लिए है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, आइए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ इस घंटी के निशान को दबाइए और हमारी लेटेस्ट वीडियो के फौरन लुफ्त उठाइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला, करता हूं आपका स्वागत इस नई वीडियो में। दोस्तों, आपको पता होगा कि उत्तराखंड में चार धाम जगह है जहां पर दर्शन करने जाते हैं लोग, पूजा करने जाते हैं। उन चार धामों का नाम है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। दोस्तों, वहां पर परेशानी ये होती है कि कोई नेटवर्क नहीं होता है, वहां पर सिग्नल नहीं आते हैं। मैं खुद अभी एक महीने पहले वहां गया था, वहां पर मुझको कोई सुविधा नहीं मिल रही थी। दोस्तों, वहां पर किसी चीज का नेटवर्क नहीं था, 4G तो भूल जाइए, 3G 2G का भी नामो निशान नहीं था, क्योंकि पहाड़ों पर है, जंगलों में है, तो वहां पर कोई भी सिग्नल नेटवर्क नहीं है। एयरटेल ने ये बात समझी दोस्तों, और एयरटेल ने क्या कहा कि हम एक हफ्ते के अंदर वहां पर सुविधा दे देंगे, सारी सुविधा। चार धाम की यात्रा है जो करीब करीब 100, 200, 300 किलोमीटर की दूरी पे हैं ये धाम। तो दोस्तों, वहां पर वो एयरटेल अपना 4G सर्विस लेके आएगा, ये काफी खुशी वाली बात है, क्योंकि वहां पर लोग जाते हैं काफी परेशान होते हैं, ढेर सारे लोग पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से आते हैं वहां पर जाने के लिए, तो उनको परेशानी ना हो, एयरटेल ने ये काफी अच्छा सोचा। वहां पर जियो का भी नेटवर्क नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जियो वाले भी वहां पर अपना नेटवर्क दे सकें। दोस्तों, ये बताते और भी खुशी हो रही है कि वोडाफोन ने केदारनाथ में अपना 4G सर्विस रोल आउट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक दो दिन पहले खबर है कि वोडाफोन ने अपना 4G सर्विस रोल आउट कर दिया है केदारनाथ में, और एयरटेल जल्द ही कुछ हफ्तों के अंदर चारों धाम के अंदर अपना सर्विस दे देगा 4G। वहां पर जो लोग जाएंगे, दो दिन, तीन दिन, चार दिन की यात्रा करते हैं, बोर होते हैं, वो 4G इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे, वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे हिंदुस्तानी हेल्पर की। तो दोस्तों, ये काफी अच्छी खबर है, मैं अगर फिर से जाऊंगा तो मुझे काफी मजा आने वाला है। अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई हो, ये जान के अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस इनिशिएटिव से और भी जितने दूर दराज के इलाके हैं वहां पर भी ये लोग टेलीकॉम सेक्टर वाले कदम रखेंगे और सबके लिए काफी अच्छी बात होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए अभी के लिए इतना ही, चलता हूं, बाय।